हाय, आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 2 फॉर क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी, यहां पर हमने एक आइसोसेलस ट्रायंगल ड्रॉ किया है एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू एसी। एबी और एसी इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो यहां पर एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स हैं जो कि ओ पे आके मिलते हैं और हमने ज्वाइन कर लिया ए ओ को, ज्वाइन ए टू ओ। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमें बताना है कि ओ बी और ओ सी इक्वल है। सेकेंड, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, और हमें बताना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। तो दोस्तों इसमें फिगर गिवन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले लिखेंगे गिवन और टू शो और उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रूफ। AB इज इक्वल टू AC, ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल मतलब एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल्स के हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये वाला दोस्तों इस तरीके से इन दोनों के हाफ भी इक्वल हो गए और ओबीसी और ओसीबी एंगल इक्वल हो गए। अब क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसीलिए इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि ओबी इज इक्वल टू ओसी। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ओए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो अब हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स, एंगल ओ ए बी और ओ ए सी। इसमें दोस्तों हमने ऊपर प्रूफ किया कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए और ओ ए कॉमन है और ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो इन तीनों से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल ओ ए बी और ओ ए सी भी इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। इसमें फिगर गिवन है दोस्तों, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये है AD जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इस कारण से BD और DC इक्वल हो जाएंगे। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जहां पर AB और AC इक्वल है। तो शुरू करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स में AD और AD कॉमन है, DB और DC इक्वल है क्योंकि D बाइसेक्ट्स BC। तो यहां पर D बाइसेक्ट करता है BC को। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ADB और ADC इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है और AD कॉमन है। तो इसमें SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। CPCT से हम बोल सकते हैं कि AB और AC इक्वल है और इसीलिए ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 जिसमें फिगर गिवन है। यह है फिगर, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो AC और AB equal है और BE और CF दो altitudes हैं।
शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल. तो हमें बताना है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ. तो शुरू करेंगे दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. सबसे पहले जहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है. उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि कॉमन एंगल है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट है बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. और सी पी सी टी से हम बोलेंगे कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, मतलब अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, जो कि हमें शो करना था. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. इसमें दिया है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल. फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के समान है, जिसमें हमें शो करना है कि ट्राइंगल्स ए बी ई और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट है, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. मतलब हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो सबसे पहले हम वही दो ट्राइंगल लेंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो शुरू करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये दो एंगल्स जो कि 90 डिग्री है वो कॉमन है. उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, जो कि गिवन है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल है. तो इस तरीके से ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. और सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं. आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन 5. ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये दोनों ही ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि फिगर गिवन है. ऑन सेम बेस बी सी, बी सी जो बेस है ये सेम है. शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. बहुत ही इजी है दोस्तों, हमें दिया गया है कि ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इस रीजन से ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफोर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. मतलब एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल हो गए. इसे हम देंगे नंबर 1. फिर हम सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एंगल डी बी सी और एंगल डी सी बी भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल साइड्स के ऑपोजिट हैं. तो हम बोलेंगे एंगल डी बी सी और डी सी बी इक्वल है. इसे हम देंगे नंबर 2. जब हम नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये हमने लिख लिया, क्योंकि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल. ठीक है, ये हमने देखा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री में. अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें फिगर गिवन है. ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी और ए सी इक्वल है. साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. तो बी ए को प्रोड्यूस किया, मतलब एक्सटेंड किया. तो यहां लिख देंगे प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. तो सबसे पहले दिया था कि ए बी और ए सी तो इक्वल है ही, अब ए डी भी ए बी से इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी. शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल. हमें बताना है कि ये वाला एंगल
एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है, तो हम शुरू करेंगे ट्रायंगल ए बी सी से। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसे हमने दिया नंबर वन। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में ए सी और ए डी इक्वल है इसलिए इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसे हमने दिया नंबर टू। अब हम कंसिडर करेंगे दोस्तों ट्रायंगल बी सी डी, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें हम देखेंगे कि इन सभी एंगल्स का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण 180 डिग्री आता है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी 180 डिग्री है। By angle sum property of a triangle. तो जब ये दोनों angles equal है तो हम लिख सकते हैं कि twice angle ACB plus, फिर ये दोनों angles भी equal है इसलिए हम लिख सकते हैं कि twice angle ACD। तो यहां हम reason देंगे दोस्तों from 1 and 2, जो हमने ऊपर में numbering किया था 1 and 2, उससे हम लिख सकते हैं twice angle ACB प्लस ट्वाइस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे 2, और जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल हमारा प्रूव हो गया 90 डिग्री, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 7। इसमें दिया हुआ है ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। तो एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी और ए सी बी इक्वल है, हमें बताना है कि एंगल बी और एंगल सी कितना है। तो हम ओरली बोल सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल्स 45 डिग्री है। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय ड्रॉइंग अ फिगर जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों फिगर। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए इज 90 डिग्री, और ये दोनों क्योंकि इक्वल है और साइड्स ए बी और ए सी क्योंकि इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखेंगे 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंगल बी इज एंगल बी, और एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा दोस्तों ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री इधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा और बचेगा 90 डिग्री। अब जब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलता है एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब एंगल सी भी 45 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8। इसमें है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो इसमें फिगर गिवन नहीं है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, रीजन है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम 1 and 2। तो हम देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ
ट्राइंगल। तो एंगल ए बी और सी की जगह पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। थ्राइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हम इस इक्वेशन और इक्वेशन 3 की मदद से बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए नीचे कमेंट्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो बने रहिएगा दोस्तों, बाय।